अनुष्का शर्मा का ऑन स्क्रीन पति सुई धागा लेकर नाई की दुकान पर पहुंचा और प्रमोशन के लिए ये कर बैठा। यकीन मानिए, ट्रस्ट वरुण धवन अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए कई शानदार आइडियाज लेकर आते हैं। भारत के सबसे हॉट युवा सुपरस्टार ने सुई धागा के अपने लुक को प्रचारित करने के लिए एक स्थानीय नाई के दुकान पहुँच गए। वरुण मुंबई में सुई धागा के शूट के आखिरी चरण को पूरा कर रहे हैं और फिल्म के मौजी लुक के लिए उन्हें इस काम में शामिल होना पड़ा। एक सूत्र के मुताबिक वरुण के चेहरे पर दाढ़ी थी और उन्हें इसे हटवाना था और सिर्फ मूंछ रखना था। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नाई के दुकान में जाने का फैसला किया। सूत्र ने बताया कि वरुण मुंबई के पश्चिमी उपनगर के भारत सैलून नामक स्थानीय नाई की दुकान तक गए। नाई अपने सैलून में सुपरस्टार को देखकर आश्चर्यचकित था और सुपरस्टार को सुई धागा के लिए लुक देना उसके लिए सपना सच होने जैसा था। वरुण ये देखकर खुश हुए कि कैसे उस बार्बर ने कुशलता पूर्वक काम किया। वरुण ने अपनी फिल्म के लिए सही लुक देने के लिए बार्बर का धन्यवाद किया। यशराज फिल्म की सुई धागा 2018 की सबसे उम्मीद भरी फिल्मों में से एक बन गई है। यह दो सबसे बड़े सुपरस्टार और पावर हाउस कलाकार वरुण और अनुष्का शर्मा की अदाकारी से सजी हुई फिल्म है। यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक निर्देशक निर्माता शरद कटारिया और दम लगा के हिशा फेम मनीष शर्मा को दोबारा एक साथ लेकर आ रही है। 28 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार सुई धागा आत्मनिर्भरता के माध्यम से सम्मान और प्रेम भरे जीवन की कहानी है और भारत में महात्मा गांधी के मेक इन इंडिया विचारधारा से प्रेरित है, जिसकी वकालत भारत सरकार भी कर रही है।